ये बड़ी चिंता की बात है कि हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो पूरे जम्मू क्षेत्र के मरीजों का इलाज करता है, वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू खुद बीमार और वेंटिलेटर के ऊपर पड़ा हुआ है। और सूत्रों के मुताबिक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है और क्रिटिकल पेशेंट्स को हार्ट, कैंसर, किडनी, डायलिसिस और आईसीयू, सीसीयू, ऑपरेशन थिएटर्स और इमरजेंसी वार्ड्स में भारी कमी है ऑक्सीजन की। और हमारी ये मांग है उपराज्यपाल साहब से कि वह एक स्वयं दौरा लगाएं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू का और जल्द से जल्द मेडिकल कॉलेज के प्रशासन, प्रिंसिपल्स और सुप्रिटेंडेंट को देखें और उनको निर्देश दें और जरूरत पड़ती है तो उनके तबादले करें, क्योंकि प्रशासन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का और जम्मू शहर के तमाम जितने भी हॉस्पिटल्स, चाहे वो डायरेक्टरेट के अधीन आते हैं, चाहे सरवाल हॉस्पिटल हो, गांधीनगर हो, एसएमजीएस हॉस्पिटल हो, सीडी हॉस्पिटल हो, चेस्ट एंड डिजीज हॉस्पिटल हो, साइकेट्रिक हॉस्पिटल हो, तमाम के तमाम अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की कमी है और खुद ये तमाम अस्पताल वेंटिलेटर्स के ऊपर बीमार पड़े हुए हैं। यहाँ पे क्रिटिकल पेशेंट्स का कोई इलाज नहीं हो रहा, यहाँ पे लोग बेहद परेशान हो रहे हैं। और यही हमारी मांग है कि उपराज्यपाल साहब आप बिना समय गवाए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का दौरा करें और देखें कि मरीजों की कोई तमीरदारी और वहां पे इलाज नहीं हो रहा है। और इस कोरोना वायरस पेंडेमिक में एक सिंपल सा इलाज तमाम प्रशासनिक डॉक्टर्स को मिल गया है कि कोई भी क्रिटिकल पेशेंट को बहाना बना करके वो घोषित कर देते हैं ये कोरोना वायरस का पेशेंट है और उसको इलाज नहीं करते, जानबूझ के अपनी कमियां पेशियों को छुपा लेते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। इसलिए हमारी ये मांग है कि बड़ी चिंता की बात है कि कोविड-19 की महामारी में जो हमारा जम्मू कश्मीर राज्य जो है, यूनियन टेरिटरी जो है, यहाँ पे लाख से भी ज्यादा पेशेंट और कई हजारों में मौतें होना शुरू हो गई हैं इस महामारी में। और ये महामारी अब तेजी से बढ़ रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार, प्रशासन जो है, इसे काबू पाने में बेहद असफल रहा है। और हमारी यही मांग है कि लोगों को मुफ्त में सैनिटाइजर्स बांटे जाएं, मास्क बांटे जाएं और प्रशासन जो इतना पैसा उसके नाम के ऊपर आ रहा है, कोविड के नाम के ऊपर, वो सही इस्तेमाल नहीं कर रही है। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का तो दिवालिया निकल गया है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज स्वयं ही वेंटिलेटर के ऊपर चला गया है और लोग तमाम मरीजों को कोई ऑक्सीजन तक नहीं मिल रही। और यहाँ तक सूत्रों के हवाले से सुनने में आया है कि रोज की 6000 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन 1000 लीटर पर मिनट ही मरीजों को ऑक्सीजन मिल रही है। यानी कि ये मेडिकल कॉलेज नहीं है, यह एक मरीजों के लिए, तमीरदारों के लिए खतरे की जगह है। लोगों को अब डर सताने लगा है कि वो मेडिकल कॉलेज में और जम्मू के तमाम अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में जाने से डर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स अपनी जिम्मेवारी से हटने के लिए वो सीधा इल्जाम लगा देते हैं कि ये कोविड की वजह से मरा है, चाहे वो हार्ट, किडनी या फिर कोई क्रिटिकल बीमारी से, सीरियस बीमारी से मरा हो, चाहे एक्सीडेंट से मरा हो, तमाम अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि ये कोरोना वायरस से मरा है। तो इसलिए उपराज्यपाल साहब, हमारी आपसे यही गुजारिश है कि आप गवर्नमेंट